नमस्कार सबको, प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या काल। कैसे हैं सभी? सब लोग घर में बैठे हैं, सब फिट है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है सभी अच्छे तरह से मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अभी हमको और थोड़ा दिन हमको जो सब ये जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होने में थोड़ा दिन लगने वाला है, लेकिन हम सब हमको धीरज रखना है और घर में रख के जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल्स है, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, ओके, ये जो नारा है बहुत अच्छे तरह से निभाना है। ओके, आज हम जीवन मूल्यों के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ओके, ये बहुत विस्तार से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं जीवन मूल्य। जैसे कि फर्स्ट डे से ही मैं बता रहा हूँ, ओके, फर्स्ट डे से ही मैं बता रहा हूँ कि अपना जो कल्चर है, अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है, ओके, ये सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा लोगों के साथ ही रहना है, अच्छा विचार सोच रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर ही अपना जीवन मूल्य जो है वो सभी निर्भर है। ओके, हम उसमें उस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों का जो सेहत है वो अच्छा रहना चाहिए। ओके, आप घर में भी रह के भी आप इतना अच्छा जो एक्सरसाइज है, सभी आपका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, आप सही अच्छा तरह से निभा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो बहुत सारे चीज़ें आपको घर में बैठ के भी करना है। ओके, आपको जो अच्छा अच्छा जो हैबिट्स है आपको लगाने हैं, जैसे कि पढ़ना है, ओके, नए नए कुछ तो अच्छा ऐसा हम आपको सीखना है, जो म्यूजिक है, बहुत सारा जो आर्ट्स है, आर्टिकल्स है, हम घर में बैठ कर सीख सकते हैं। ओके, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके,
लोगों से बात करना है, फ्रेंड के साथ बात करना है, ओके। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अभी इस माहौल में कैसा है, बहुत सारे लोगों को हम जो नॉर्मल डेज होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाते हम, हमारे पास ज़्यादातर टाइम नहीं रहता है। लेकिन इस दरम्यान आप उनसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनका हालत पूछ सकते हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे जो रोज़ आप 5, 10, 20 लोगों से कॉल कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों से हम बात कर सकते हैं, जैसे कि विचार देन लेन हुआ तो थोड़ा सा मन को भी अच्छा लगता है और हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव्स को कॉल कर सकते हैं, हमारे जो पुराने टीचर्स है, हेड मास्टर है, उनसे कॉल कर सकते हैं हम। बहुत ही अच्छा अवसर है, जो टाइम है अपने पास, जो कॉल कर सकते हैं। अभी इन दिनों हम सभी घर में हैं, बहुत अच्छे तरह से सो रहे हैं, ओके, अच्छा खाना ले रहे हैं, तो तकलीफ भी किसको नहीं है, सबका जो बॉडी है, शरीर है, सब अच्छा चल रहा है। किसी को भी एसिडिट नहीं हो रहा है, कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है, सभी लोग फिट है, ओके। क्योंकि हम घर में हैं, साउंड पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है, कौन सा भी पोल्यूशन नहीं है, ओके। सही नींद चल रहा है, रेस्ट चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है, ओके। सभी का जो टाइम टेबल है बहुत अच्छे तरह से फॉलोअप कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी अच्छे हैं, ओके। अभी आगे जाके भी ऐसे ही शेड्यूल हमको हमारे जो टोटल अपना दिनचर्या है उसमें ऐसे तरह लाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। यह बहुत बड़ा एजुकेशन है, जो अभी जो हम पर समय आया है, बहुत बड़ी एजुकेशन है, खुद पर काम करने के लिए, खुद को समझने के लिए, ओके। हम आज बात करेंगे जीवन मूल्य, ओके। जीवन मूल्य, जीवन मूल्य क्या है, अभी इसमें अभी हम देखने वाले हैं। तो ओके, जैसे मैंने सुबह एक पोस्ट किया था, तकरीबन एक 2 बजे 1 बजे पोस्ट किया था मैं जीवन मूल्य के बारे में। उसमें बताया था कि महात्मा गांधी है, ओके, अपने जो पुरुष है महात्मा गांधी है, गौतम बुद्ध है, ओके, अनेक महापुरुष जो है उन्होंने क्या बताया उसमें, ओके। हम ये लोग तो इतिहास में अमर हो चुके हैं, लेकिन उनका जो सोच था वो सकारात्मक था, ओके। बहुत अच्छा इनका योगदान था, जो हमारे जो जीवन नीति मूल्य है, ओके, ये अच्छे तरह से इनसे बहुत सारे हम कुछ सीख सकते हैं महान पुरुषों से, ओके। अभी जीवन मूल्य आपका अच्छा रहे तो सकारात्मक अपना जो नज़रिया है सकारात्मक हो सकता है, ओके। जीवन मूल्य पर ही निर्भर होता है आपका सक्सेस, आपका चलन, ओके। आप रोज कैसे सोचते हैं, किस लोगों के साथ रहते हैं, ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही जो सभी चीज़ें हैं, सफलता होने में हमको बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है, ओके। कभी भी ध्यान में रखना चाहिए, बुरी सोच कभी नहीं लाना है, ओके। किसके बारे में बुरी सोच नहीं करना है आपको, ओके। तो लोगों से बातें करना बहुत इम्पोर्टेंट, लोगों से बात करना, कुछ भी गलत फहमियाँ है तो वो फर्स्ट क्लियर करके उनसे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही फ्रेंडशिप जुड़ सकता है, ऐसे ही लोगों से हम जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक्स होने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप टूटने वाले हैं, ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो आपको सामने वाले व्यक्ति आपको कॉन्टेक्ट कर रहा है, आपको मिलने के लिए, ओके, आपको बोलने के लिए, तो आप उनका विचार सुन लेना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, सामाजिक व्यवस्था जो है वहाँ पे टूट सकता है, ओके। ये सभी जीवन मूल्य, जीवन नीति मूल्य पर डिपेंड है, ओके। क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, समाजशील प्राणी है, समाज में रहते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए, सभी लोगों से बात करना चाहिए, फंक्शन में जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कहीं पर भी गलतियाँ, कहीं पर भी गुस्सा, कहीं पर भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल का जो पावर है वो ही वैसे ही बना रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी जो लोग जीवन मूल्य के बारे में
अच्छा विचार करते हैं, जिसके पास अच्छा जीवन तंत्र का मूल्य है, वो अपने परिवार के लिए बोझ नहीं बनता। ओके, आप सही तरीके से आप आपका आपका जो काम करेंगे, सही तरीके से आपके परिवार के साथ आप बैठ के काम करेंगे, आपके परिवार के मिलजुल के आप काम जो विचार सोचे आप काम करेंगे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आप जब परिवार के साथ आपका सोच विचार नहीं है, आप बैठ के बात नहीं करते, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होते हैं, वैसा नहीं करना है। ओके, तो हमको बैठ के सब मिल के, ओके, जो मम्मी पापा है, अपने रिश्तेदार है, इनसे मिल के बैठ के बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जीवन तंत्र का आपको सक्षम और आपको सक्सेसफुल होने के लिए जीवन तंत्र मूल्य बहुत इम्पोर्टेंट है। इन मूल्यों को आपको आपके अंदर लाना ही होगा, आपको खुद को चेंज करना ही होगा। आपका स्वभाव कैसा है उस पर निर्भर है आपके साथ कितने लोग जुटने वाले, आपके साथ कितने लोग आने वाले हैं, आपको कितने लोग हेल्प करने वाले हैं। ओके, उस पर निर्भर है। उसके लिए आपका जीवन तंत्र, आपका जीवन मूल्य, आप जो रोज काम करते हो, सोच विचार रखते हो, उसका आपको अच्छा ही करना है, उसको हम्बल ही करना है, उसको थोड़ा सा हेल्पफुल ही करना है। ओके, टोटल बिल्कुल आपके उसको ऊपर आपको ध्यान देना है और काम करना है, आपको आपका विचार अच्छा ही बनाना है, इस पे कोई ही ऑप्शन नहीं है। ओके, आपको चार लोग, ये आदमी बहुत अच्छा है, ओके, ये मैडम बहुत अच्छा है, ये सर बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हेल्प करते हैं, ओके, ये हमको जब चाहे तब सपोर्ट करते हैं, ओके, ये जब आता है आपके लिए, ये बहुत बड़ा है, इसको कोई भी इसको कीमत नहीं लगा सकते। ओके, ये जो कमाई है, यही सबसे बड़ा कमाई है अपनी ज़िंदगी में। ओके, बहुत सारे लोग आपको अच्छा कहना चाहिए। ओके, अच्छा कहना ऐसा ही जैसे है सेल करके नहीं आता, हम खरीद नहीं, आपको अच्छा बोलना ऐसा खरीद नहीं सकते। ओके, आप किसको तो बहुत सारा अच्छा विचार देते हो, उनको हेल्प करते हो उनको कामों में, तो वो व्यक्ति जो है आपको खुद को बोलने वाला है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पास बड़े बड़े महान व्यक्ति होके गए हैं उनके सोच विचार जो है हम पढ़ सकते हैं। उन लोगों ने क्या किया है, अभी महात्मा गांधी है अपने पास, महात्मा फुले हैं, शिवाजी महाराज है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, ओके, बहुत सारे जो महान व्यक्ति हैं अपने पास हैं, उन लोगों के विचार जो है हम 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 उसका स्टडी कर सकते हैं। ओके, और सोच विचार हम अपने जो रोज का जो अपना जो दिनचर्या है उसमें हम डाल सकते हैं। देखिए, ये जो सोच विचार है, हम जब अपने रोज का जो डेली अपना जो लाइफ है, डेली लाइफ डेली रूटीन है, उसमें लाते तो कितना सुंदर अपना जो लाइफस्टाइल है हो सकता है, आप देखिए। ओके, तो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मेरा आवाज आ रहा है तो आप थम्स अप भेज सकते हैं मुझे, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आप कमेंट्स में भेज सकते हैं मुझे, कुछ तो मैसेज कीजिए, आप मेरा आवाज आपको आ रहा है क्या, बिकॉज कैमरा ऐसा है, स्क्रीन उस तरफ है, मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको मेरा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे एक मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, मेरा आवाज़ आप तक आ रहा है। तो हमको अभी समझो एक बहुत अच्छा या खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो क्या करना होगा, तो यही है महान पुरुषों का सोच विचार। नहीं तो आप अभी आप आज करंट के डे में कौन सा भी ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छा है, सभी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सोच विचार क्या है, वो क्या काम करते हैं, उनका डेली रूटीन क्या है,
ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं, राइट। जो बहुत सारे जो लोग हैं अपने आसपास रहते हैं, अपने फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ओके, ऐसे लोगों से हम बात कर सकते हैं, उनका डेली रूटीन पूछ सकते हैं, ओके। तो इस इन लोगों से बात करके हम बहुत सारा जो अपना डेली रूटीन है, लाइफ स्टाइल है, उसमें सुधार ला सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। अभी इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे, अभी अपना जीवन कैसा रहना चाहिए, जीवन कैसा रहना चाहिए, जीवन अपना जो है वो हैप्पी रहना चाहिए, ओके, हेल्दी रहना चाहिए, ओके। वहाँ पे हमको बहुत सारा जो सिक्योरिटी बोलते हैं उसे, सिक्योरिटी लगना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे मेरा लाइफ सिक्योर नहीं है, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ, या ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ओके। ऐसा इसमें से एक भी भय आपके पास आया तो आपका जो जीवन है वो थोड़ा थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं होना ये तो आपको क्या करना होगा, ये तीन जो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें जो तीन तत्व है, इस पर आपको काम करना होगा। कौन सा है, एक हैप्पी है, एक हेल्दी है और एक सिक्योर है। ये तीन चीज़ों अपने पास रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। ये तीनों चीज़ों के बाद बारे में आपको सोचना चाहिए। अभी मैं मुझे हैप्पी होना है तो हैप्पी होने के लिए क्या लगने वाला है, तो मेरा हेल्थ अच्छा चाहिए, सबके साथ में रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पे मेरा स्टेटस अच्छा चाहिए, लोगों को, मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हेल्प कर सकते हैं, हेल्प के लिए तो कुछ पैसा नहीं लगता, ओके। तो सिक्योर, जब आप सबके साथ अच्छे हो, आप समाज में अच्छे हो, तो ऑटोमेटिक आपके पास सिक्योर आने वाला है, आपको फीलिंग लगने वाला है मैं सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, यस। ऐसा कौन सा भी हम खुद को ऐसा काम नहीं करता है, वहाँ पे हमको अनसिक्योर लगना चाहिए, ओके। सबके साथ अच्छे रहना है, सबके सोच विचार के साथ हमको चलना है, ओके। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करेंगे तो खुद को आप सिक्योर नहीं पाओगे और हैप्पी लाइफ भी नहीं होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। आप जो भी काम कर रहे हो इसे मन लगा के काम करना है, लगन से काम करना है, तो उस चीज़ में हम 100% सक्सेसफुल होते हैं, ओके। एक ही समय पर ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक समय में एक ही काम करना है, वो मन लगा के लगन से काम करना है, उसमें 100% सक्सेसफुल हो जाते हैं हम, ओके। इसके आप एग्जाम्पल तौर से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ओके। एक ही साथ में दो साइकिल नहीं चला सकता, एक ही साथ में मैं दो बाइक नहीं चला सकता, ओके। ऐसा ही है, एक साथ में मैं अभी एक बिजनेस में हूँ, दो बिजनेस चला हूँ, तो इधर ध्यान दो उधर ध्यान दो, ऐसा हो सकता है, ओके। जैसे कि मैं ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, ओके, तो गवर्नमेंट सर्वेंट होके मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ओके। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो बहुत अच्छा तरह से मैं नौकरी में रन निभाऊंगा, ओके, नो प्रॉब्लम उसमें। मैं रिजाइन दे के बिजनेस करूंगा बिकॉज ओनली बिजनेस के लिए मेरा फोकस होगा, इसमें मेरा सक्सेस ही अच्छा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस पर एक ध्यान देना है, कहीं पर भी एक समय में एक ही काम कर पे, उस पर बहुत आपको ध्यान लगा के लगन से काम करना है। अभी समाज में बहुत सारे ऐसे जो लोग रहते हैं, वो समाज विघातक जो कुर्ती बोलते हैं, ऐसे लोग करने वाले हैं, जैसे कि मद्यपान करने वाले हैं, स्मोकिंग स्मोकर्स है, बहुत सारे ड्रंकार्ड है जो अल्कोहल पीते हैं, बहुत सारे ड्रगिस्ट रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग रहते हैं, चोर रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, ओके। ऐसा कोई करता भी है तो हमको तुरंत पुलिस को आपको कॉन्टेक्ट करना है। अभी पुलिस को कॉन्टेक्ट कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। पुलिस को कांटेक्ट करना है तो आपके पास एक ही ऑफलाइन से भी नंबर लगता है, आपका मोबाइल ऑफलाइन है, ऑफलाइन में भी 1200 पर कॉल कर सकते हैं आप। वो नंबर एक देवता के समान है, ओके, एक 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 आपको हेल्प करने वाला नंबर है। आप कहीं पर भी हो, आपके पास थोड़े ही समय में आपके पास पुलिस पहुँच जाते हैं, ओके। ये भगवान के समान नंबर है, ओके, 100 100 सौ नंबर, ये बहुत ही काम आता है, ओके। समझो आप कहीं पर भी आप खेत में हो, ओके, आजू बाजू में कैसे भी बस्तियाँ नहीं है,
कौन से भी घर में ये नहीं है, और आप वहाँ पर हो और बाहर बहुत सारे चोर आए हैं और आपके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ओके, तो उस टाइम में क्या करेंगे आप? तो आपको एक ही करना है, आपको आपके मोबाइल तो ऑन रहने वाले हैं, सबके पास स्मार्ट मोबाइल रहते हैं, आपको पुलिस को 100 नंबर्स को आपको व्हाट्सअप नंबर भी अभी कंट्रोल्स नंबर्स के रहते हैं जहाँ पे आप एरिया में रहते हो वहाँ पे, ओके, नहीं तो आपको सौ नंबर पर कॉल करना है, आपके गांव में जो भी पुलिस पार्टी है उनको कॉल करना है, ओके, आप 100 नंबर लगाए ना आपके पास तुरंत पुलिस आते हैं, आपको सिर्फ एड्रेस बताना है, ओके, ये बहुत सारा काम आता है 100 नंबर। आप घर में अकेले हो, आपको डर लग रहा है, 100 नंबर कॉल कर सकते हैं, तुरंत पुलिस आते हैं, ओके। आप घर के बाहर गए हो, एक्सीडेंट हुआ है, आपके लिए कोई भी आप हेल्प नहीं कर रहा है, 100 नंबर लगा सकते हो, ओके। आप अनजान शहर में गए हो और आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है, आप 100 नंबर कॉल कर सकते हो, वहाँ पे पुलिस आएंगे। बहुत सारे जो ऐसा है, ओनली 1 नंबर काम करता है आपके लिए, 100 नंबर, 1200, ओके, ये आपको अच्छा काम के लिए ही ये आपको हेल्प लेना चाहिए, ओके, इसका ये नंबर का हेल्प लेना ही चाहिए आपके। एग्जांपल तौर के पर आप पर किसी को कोई आपको मिल गया है, उसका घर नहीं मिल रहा है, छोटा बच्चा मिला है, ओके, कोई तो तकलीफ में है, किसको तो कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे आप उस व्यक्ति को आपके पास लेके आप 100 नंबर पर कॉल करके देखिए वहाँ पर क्या हेल्प मिलता है, ओके। बहुत बड़ी जो सिस्टम बना है इंडिया में और गांव गांव में, कहीं पर भी शहर में हो, 100 नंबर आपको प्रेस करना है, तुरंत वहां पे पुलिस आ सकते हैं आपके लिए, ओके, ये बहुत बड़ा हेल्प है। और एक चीज, अभी यहाँ पे हम हेल्थ के मूल्य में बात करेंगे, ओके, आपको आपका खुद का सेहत जो है वो अच्छा रखना है। समझो मुझे बार बार एसिडिटी हो रहा है, बार बार सिर दुख रहा है, बार बार पीठ दुख रहा है, बार बार कमर दर्द हो रहा है, तो आप हैप्पी नहीं रह सकते। आप कुछ ऐसा आप अपना जो डेली रूटीन है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको होने वाले हैं, ओके, ऐसा कभी भी नहीं करना है। सिर दर्द क्यों होता है, एसिडिटी क्यों हो रहा है, पीठ दर्द क्यों हो रहा है, कमर दर्द क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको सोचना है, उसका हल निकालना है आपको, ओके, ऐसे ये बहुत सारे चीज़ें जो ऐसे क्यों हो रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपको सोचना है, ओके। आप ध्यान में रखो, मैं मेरा शारीरिक फिटनेस में हूँ तो आपका मेंटल फिटनेस अच्छा रहने वाला है। आपका कहीं पर तो कुछ तो दर्द हो रहा है, आपका जो एक तरफ आपका जो ध्यान है वो एक कॉन्सिस्टेंट नहीं होने वाला है, एकाग्रता नहीं होने वाला है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको होने वाले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। तो आपको फिट रहना है, ओके, आपको फिट रहना है, फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके, फिट रहेंगे तो आपको कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, और आपका जो डेली जो काम है, आपका जो डेली काम है वो अच्छे तरह से आप कर सकते हैं, ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। अभी इसमें आरोग्य मूल्य हो गया, अभी और एक है, नेक्स्ट है एजुकेशन मूल्य, ओके। एजुकेशन मूल्य क्या है, समझो मैं कौन सा भी एजुकेशन ले रहा हूँ वो एजुकेशन मेरे लिए सुटेबल है क्या, मैं उसमें करियर कर सकता हूँ क्या, उसको मुझे आगे जाके क्या फ़ायदा होने वाले हैं, मैं समझो मेरा मुझे न्यूट्रिशन फील्ड में जा रहा है और मैं यहाँ पे कौन सा तो अलग ही मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आपका जो ध्यान है वो एक तरफ नहीं हो सकता, ओके, ये ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं करना है, ओके। आपको जिस फील्ड में आपको एक अच्छा करियर करना है वहीं फील्ड का एजुकेशन लेके आप करेंगे तो आपका वहाँ पे जो आपका जो ध्यान है वो वहाँ पे 100% लगने वाला है, ओके। कौन सा भी एजुकेशन रहने दो, वहाँ पे आपको ध्यान दे के ही पढ़ना है, ओके। अच्छे लोगों, फिर से वहीं आता है, अच्छे लोगों के साथ रह के ही पढ़ना है, अच्छे लोगों को फॉलो करना है, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, ओके, आपको आप टाइम टेबल करना है, उस टाइम टेबल में आपको बहुत अच्छा आपको नॉलेज जो ग्रास्पिंग करके आपको आगे आगे बढ़ना है, ओके। आप जितना आप अच्छा एजुकेशन लेंगे, आप अच्छा विचार करेंगे, उतना अच्छा आपका जो ब्रेन हो डेवलप होने वाला है, ओके। ब्रेन डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक जो आपका जो नज़रिया है, जो देखने का और जो विश्व को आपको देखते हो, नज़रिया चेंज होने वाला है, ओके। आप टोटली नीचे से लेकर ऊपर तक टोटली आप चेंज होने वाले हो, ओके, एक ऑटोमेटिक आप एक आइडल व्यक्ति बनने वाले हो, ऑटोमेटिक आपको एक अच्छा विचार सोच और एक हैप्पी आप एक पर्सन बनने वाले हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एजुकेशन पर डिपेंड,
आपको कैसा एजुकेशन मिला है, किस लोगों के साथ आप रह चुके हैं, किस बैकग्राउंड से आप आए हैं। ओके, आप सभी ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही आदमी है, लेकिन उस पे ऊपर क्या कल्चर हुआ है, उसको कैसे एजुकेशन मिला है। ओके, उसका सराउंडिंग कैसे है, उसके आजू बाजू में लोग कैसे हैं, ये बहुत सारा इफेक्ट करता है उस पर। ओके, आप देखते हो गए मुंबई के गली में बहुत सारा स्लम एरिया है, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े कलेक्टर बन चुके हैं, बड़े बड़े IPS बन चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें उनका जो सोच विचार है, उनका जो रोज का जो अंदाज तरीका है, उनका जो रोज का जो जो मजबूत बलबूते पर जो उन्होंने जो कमाया है, ये उसको वहीं कहीं पर काउंट नहीं होता। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इस पर हमको काम करना है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रभुत्व है वो नहीं जान सकते। तो काम करते रहना है, आपको सही विचार सोच रख करना है, एवरी टाइम आपको फिट रहना है, एवरी टाइम आपको एक्टिव रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्साइटेड रहोगे, जब आप एक्टिव रहोगे, सामने का जो भी आपको नॉलेज दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, आप उसी तरह से आपके अंदर को आपको एजुकेशन मिलने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पर आपको ध्यान रखना ही है। ओके, आपको अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना ही है, आपको अच्छा टाइम टेबल आपको रखना ही है, कभी भी आपको ऐसा डलनेस महसूस नहीं होगा। ओके, आप देखिए अच्छे विचार सोच, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छे लोगों को फॉलो करके देखिए आपके अंदर कितना ताकत आ सकता है, आप कितने पावरफुल के साथ आपका रोज का काम कर सकते हैं। ओके, आप देखिए अगला जो है वो है कौटुंबिक, अपने फैमिली मूल्य। ओके, अभी फैमिली के साथ ही रहना है, फैमिली को रिस्पेक्ट देना है, फैमिली लोगों को आपको रोज हेल्प करना है। ओके, फैमिली प्लानिंग करना है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, और फैमिली के साथ सोच विचार रखना है आपको। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये सब करते हैं तो आपके साथ जो सभी जो फैमिली का सोच विचार है, जो एक साथ रहने वाले हैं, और आपको जो फैमिली का जो सुख है, जो फैमिली के हैप्पी है, वो अच्छे तरह से मिलने वाला है। ओके, आपको इस पर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही जीवन में जो सपोर्टेड करने वाले हैं, आपके सक्सेस के पीछे जो जो कठिन समय, अच्छा समय जो भी हो, आपके साथ खड़े रहने वाले आपके फैमिली होते हैं। ओके, फैमिली में कौन कौन से आते हैं? आपके माता पिता जी आते हैं, आपके वाइफ आते हैं, आपके बच्चे आते हैं, आपके सिस्टर्स आते हैं, ब्रदर्स आते हैं, ये सब जो लोग हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, यही लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहने वाले हैं, यही जो लोग हैं आपको सपोर्ट करने वाले हैं, यही जो लोग हैं आपको बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा देने वाले हैं। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली का जो जो फैमिली को जो महत्व है वो देना ही चाहिए और देते रहना चाहिए। सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, वो कैसे फिट रहते हैं, ओके, उनको एक अच्छा हेल्थ कैसा मिलेगा, वो कैसे हैप्पी रहे, कैसे रह सकते हैं, इसका सोच विचार आपके पास होना चाहिए। ओके, तो जो जो अपने दादा 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 लोग थे, जो थे अपना जो पुराने लोग थे, वो कैसे हैप्पी रहते थे। एक जो टोटल जो बड़ा जो बोलते हैं एक फैमिली, जो बिग फैमिली कैसा रहता था। ओके, सब लोग कैसे रहते थे, एक सुचार एक सोच विचार जैसे रहते थे। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जिसके भी माँ बाप अभी बूढ़े हो चुके हैं, ओके, जो उनका जो बहुत एज हो चुका है, उन सभी लोगों के आपके पास रखना है, उन सभी लोगों को आपको बहुत रिस्पोर्ट देना है, उन सभी लोगों को आपको बहुत हैप्पीनेस देना है। बिकॉज उन लोगों के वजह से हम यहाँ पे हैं, उन लोगों के वजह से हम यहाँ पे आए हैं, उन लोगों के वजह से सब कुछ हम दुनिया देख रहे हैं। तो उन लोगों को रिस्पेक्ट, उन लोगों को ख्याल रखना, उन लोगों को मेडिकल बोलो, उन लोगों को मिठाई, उन लोगों को अच्छा खाना, ओके, उन लोगों को एक अच्छा सपोर्ट फीलिंग ने, उन लोगों को एक अच्छा हैप्पी फीलिंग ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, रोज उनसे बातें करने हैं, उनको रिस्पेक्टफुल बात करना है, उनको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पे हमको हमारे वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम इनको ऐसा कहीं पर भी उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। उनको अच्छा ही महसूस करना है, उनको अच्छा ही सपोर्ट करना है, उनको बहुत ख्याल रखना है। बिकॉज जो जो लोग अपने माँ बाप को, मदर फादर को अच्छा देखते हैं, उन लोगों को देखिए उनका क्या सक्सेस है, देखिए आप। बिकॉज उनके विचार,
उनका विचार सोच पर ही निर्भर है, उनके जो मदर फादर को देखते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग जो है जो मदर फादर को पूछते नहीं है, बहुत जो उनको तकलीफ देते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी सफलता नहीं पाते हैं और एक अंदर से अच्छा फीलिंग कभी भी नहीं ला सकते। ओके, तो फर्स्ट थिंग, अपने जो मम्मी पापा है, मदर फादर है, उनको रिस्पेक्टफुल उनसे हमको बिहेवियर लाना है। ओके, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आज के सेशन में इतना ही था। तो एक ही इंटेंशन है इस विषय में, सबको हैप्पी रहना है, सबको हेल्दी रहना है, सबको सिक्योर रहना है। ये तीन तत्व ही मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जो मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं, मुझे अंदर से लगते हैं ये तीन मूल्य बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे ही मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में काम करता हूँ, ओके, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों को उनका जो हेल्थ गोल है वो अचीव करने के लिए मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे हमारे जो जनक है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, जो फाउंडर है मार्क ह्यूजेस, उन्होंने उनका जो स्लोगन है यही है, मेकिंग वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। ओके, एक दिन हमको पूरा विश्व को हेल्दी और हैप्पी करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप हेल्दी और हैप्पी रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा भी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यारों, इस पर हमको ध्यान देना होगा। आपको ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जीवन मूल्य ऐसा टाइप करके आप गूगल पर, यूट्यूब पर उसके बारे में आप बहुत सारे जो आर्टिकल्स है पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, इतना आपको सर्च करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने पास जो महान पुरुष है, जो मैं और एक बार आपको नाम दोहराना चाहूँगा, जो है महात्मा फुले है, महात्मा गांधी है, बाबा साहेब अम्बेडकर है, ओके, अपने सावित्रीबाई फुले है, ओके, शाहू है, ओके, शिवाजी महाराज है, बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, विवेकानंद सर है, ओके, तो बहुत महान पुरुष है, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, उनके सोच विचार हम ले सकते हैं। ओके, सबके सोच विचार अलग है, सबके जीवन मूल्य एक ही है, मेकिंग वर्ल्ड एंड हैप्पियर, हेल्थियर एंड हैप्पियर, इतना ही है उनका जो लास्ट इंटेंशन, वही आने वाला है। हमको अच्छा रहना है, समाजशील समाज के साथ रहना है, सोच विचार के साथ समाज का सेवा करना है। ओके, तो आज के दिन इतना ही है, तो नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ जल्द ही मैं हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच।